हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे मॉल रोड पे जारी धरने के हवाले से, जिसको आज 6 रोज मुकम्मल हो गए हैं। जी इस्लामाबाद में फैजाबाद धरने को खत्म हुए तकरीबन 6 दिन हो गए हैं और 6 दिन ही बीत गए हैं कि मॉल रोड में अब तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का एक और धरना भी जारी है, जिनका अब ये मुतालबा है कि राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं, जो कि पंजाब के वजीर कानून हैं, वो मुस्ताफी हो जाएं। खादिम रिजवी साहब तलाफात हैं, उसकी खबरें भी आप सुनते रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरा 1 हफ्ता होने जा रहा है और अभी भी कुछ खबर नहीं है कि मॉल रोड का धरना कब उठाया जाएगा। अब इस्लामाबाद के बाद लाहौर के अवाम की बारी है कि वो अपनी जिंदगियों का अजाब झेलें। इसी हवाले से बात करेंगे तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के सरबरा अशरफ आसिफ जलाली साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ जलाली साहब, और पहला सवाल मैं आपसे अवाम के मुतालिक करूंगी। 6 दिन हो गए हैं धरने की वजह से अवाम को मुश्किलात हो रही हैं, एम्बुलेंसेस फंसी रही हैं। ये मॉल रोड जो है ये शहर की कारोबारी सरगर्मियों का हब है, यहाँ का गढ़ है। आखिर आपका मकसद क्या है? क्या आपका मकसद सियासी है, क्योंकि मुसलसल आप भी एक नए मुतालबे के साथ सामने आ रहे हैं, या आपको महसूस हुआ कि खादिम रिजवी साहब जो हैं वो बारी ले गए हैं और आपके मुतालबात को वो तवज्जो हासिल नहीं हुई जो उनके मुतालबात को हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातुवस्सलाम अला रसूलिल करीम, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में बात यह है कि हमने धरना दिया था डी चौक इस्लामाबाद में 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक, और हम हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम किए थे और उन मुतालबात पर अमल दरामद के लिए हमें एक टाइम फ्रेम दिया गया था। एक हमारा ये मुतालबा था कि जितने लोगों ने हलफनामा ख़त्म नबूवत में तब्दीली की है उन तमाम लोगों को बेनकाब किया जाए, उन्हें सज़ा दी जाए। हुकूमत ने हमें कहा था कि हम 20 दिनों के अंदर आपको ये बताएंगे, हमने मान लिया, तो 20 दिन 23 नवंबर को पूरे हो गए हैं। हम इसलिए बैठे हैं कि हमसे जो वादा किया था वो हुकूमत ने पूरा क्यों नहीं किया। अब पता है आपको कि अगर हम हुकूमत को ना पूछें तो वो ये समझे कि शायद ये, लेकिन जलाली साहब जो आपसे वादा किया था वो आपके एक और फैक्शन खादिम रिजवी साहब ने मंजूर करवा लिया ना, जाहिद हामिद साहब का इस्तीफा जो है वो तो सामने आ गया। नहीं, हमारा वादा जो था सिर्फ जाहिद हामिद नहीं था, हमारा ये था हमसे मुआहदा कि वो बंदे 3 हों 4 हों 10 हों 25 हों जितनी जमातियों को हों सबको बेनकाब किया जाए। ये मुआहदा कहाँ हुआ था, क्योंकि जो रिटर्न सूरत हाल जो तहरीरी मुआहदा सामने आ रहा है जिसपे आपके दस्तखत हैं उसमें तो कहीं ऐसी बात नहीं लिखी भी। उस वो मुआहदा हमारा जो है उसमें आप पढ़ें, पहली शेक उसमें पढ़ें कि जितने लोगों का हलफनामा खत्म नबूवत के साथ ताल्लुक है तहकीक करके हुकूमत 20 दिनों में बताएगी, तो वो जिस पर मेरे और साद रफीक और तलाल चौधरी वगैरह के दस्तखत हुए हैं। तो मेरी मुराद यह है कि अब आपका मुतालबा राणा सनाउल्लाह का इस्तीफा है तो वो इस्तीफा नहीं, तो मैं, कहीं नहीं, नहीं नहीं मैं अब पहली बात कर रहा हूँ कि जायद हामिद की वजह से हमारा जो खत्म नबूवत का काज था जो हम 2 अक्टूबर से लेके चले हैं वो मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि जायद हामिद कहता है मैंने रजाकाराना इस्तीफा दिया है, मेरा तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो हम चाहते हैं जो तरमीम के मुजरिम है वो बेनकाब किए जाएं और उन्हें सजा दी जाए, तो वो मसला तो अभी जो का तू है। सनाउल्लाह का इस्तीफा अब आपका मुतालबा नहीं रहा? नहीं नहीं, मैं अभी असल में आप टाइम ही ना दे रही, मुझे एक बात की वजाहत कर लेने दे तो फिर मैं दूसरी की करूं। मैंने कहा कि जो हमें टाइम फ्रेम दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ, लिहाजा हम मुतालबा कर रहे हैं। और राणा सना के बारे में हमने मुतालबा किया था और ये मुतालबा हमने 12 अक्टूबर को किया था,
12 अक्टूबर से लेकर 24 तक और फिर तकरीबन 30 प्रेस कॉन्फ्रेंसें बनती हैं जिसमें मैंने राणा सना के कलमाते कुफर को बयान किया और मैंने कहा कि ये मुस्ताफी ना हो बल्कि आइन से बगावत का इन पे केस चलाया जाए। तो हमारा उस दिन से ये मुतालबा है। तो हुकूमत ने जो चीज अब राणा सनाउल्ला तो इस्तीफा नहीं देने वाले, वो तो इस्तीफा देने पर राजी नहीं है, तो क्या आपकी हुकूमत से मुजाकरात कुछ हो रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है? अब राजी तो कोई भी नहीं होता, हुकूमत की अपनी मजबूरी है कि वो इस्तीफा लेगी। पूरी ये मुतालबा आप ये समझें कि हम माल रोड पे जो चंद ये जो हमारे हजरात चंद सौ बैठे हैं या चंद हजार, ये बात नहीं है। राणा सनाउल्ला का इस्तीफा लाखों मुसलमानों का मुतालबा है और अगर आप देखेंगी तो इससे उससे बड़ी तहरीक चलेगी, क्योंकि जाहिद हामिद की जुबान से हमने वो जुमले नहीं सुने जो राणा सना की जुबान से करोड़ों मुसलमानों के दिलों को मजरूह करने वाले जुमले हैं। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दारों कादियानियों को मुसलमान करार दिया है। ये तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ गुजरने की बात है, देखेंगे आप अगर ये चाहेंगे लेकिन, तो लेकिन जलाली शहर में हर शहर में एक धरना बिठा देंगे। वजाहत भी कर दी राणा सनाउल्ला साहब ने और अब उनकी तरफ से जो मामला लग रहा है वो ये कि वो तो इस्तीफा देने पर राजी नहीं है। अब आप आगे क्या करेंगे? आप मुझे बोलने देने, मैं बताता हूँ कि राणा सनाउल्ला की जो वजाहत है वो उजरे गुना बदतरज गुना है, यानी इसमें पहले से वो ज्यादा जुर्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी तरफ नाम मंसूब कर दी गई, तोड़ मोड़ के मौके पेश किया गया। ये वहां चलता है जहां वीडियो क्लिप मौजूद ना हो, जिस बात पर एतराज है वो उसकी जुबान से निकल रही है। और वो अगर कहता है कि अगर मैंने कोई गलत बात की है तो माफी मांगता हूं, तो फिर जुर्म उसने तस्लीम ही नहीं किया। वो तस्लीम करे कि मैंने काफिराना बातें की हैं, कुफरिया कलिमात बोले हैं, कि मैंने उन लोगों को जो रसूल अल्लाह जलाली साहब हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है वो तो हम राणा साहब से पूछेंगे, वो कुछ देर बाद हमारे साथ भी होंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आप हुकूमत से मुजाकरात करेंगे या नहीं करेंगे? आप हंगामा आराई की तरफ जाएंगे, तोड़फोड़ की तरफ जाएंगे, खुदा ना खास्ता कुछ नुकसानात वगैरह की तरफ जाएंगे, या आप किसी और फरीक की सालिसी को कबूल करेंगे जिसमें फौज या खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदे भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, हम तोड़फोड़ हुकूमत से मुजाकरात करेंगे, हाँ हुकूमत से मुजाकरात करेंगे। और कल चूंकि सारे जुलूस यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं पंजाब असेंबली के सामने, ठीक है, और हम अगला फिर लाहे अमल उसमें देंगे इंशाल्लाह। ओके ठीक है, तो आप किसी सालिस पर राजी होंगे जिसमें फौज या खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदे भी शामिल हो सके? असल तो हमारा चूंकि मुतालबा है हुकूमत से, अगर हुकूमत नाहल साबित होती है तो हुकूमत की मजबूरी है कि किसी और जरिए से मसला हल करे, हम किसी और को दावत क्यों दें? ओके ठीक है, अशरफ आसिफ जलाली साहब जो कि कहते हैं कि वो तहरीक लब्बैक के सबरा हैं, वो हमसे बात कर रहे थे, इनका मौकिफ आपने सुन लिया, इनका फिलहाल धरना खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। हुकूमत का इरादा क्या है, वो ये धरना कब तक खत्म करवाएगी, क्या राणा सना साहब इस्तीफा देंगे, इस पे बात करेंगे राणा सनाउल्ला साहब से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक, इसी सारे मामले पे बात करेंगे कि आखिर लाहौर धरना जो कि पिछले 6 दिन से मुसलसल जारी है और लाहौर के शहरियों की जिंदगी बिल्कुल अजीर्ण होकर रह गई है, अजाब बन के रह गई है, राणा सनाउल्ला साहब के इस्तीफे का मुसलसल मुतालबा हो रहा है और अब धरने वालों ने तो खैर ये भी कह दिया है कि 12 रबीउल अव्वल वो मॉल रोड पर ही मना के जाएंगे और उसके बाद भी उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक पंजाब के वजीर कानून राणा सनाउल्ला साहब इस्तीफा नहीं दे देते। तो क्या राणा साहब इस्तीफा देंगे, इसी हवाले से बात करेंगे जनाब नून लीग के सीनियर रहनुमा पंजाब के वजीर कानून राणा सनाउल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राणा सनाउल्ला साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। ये बताएं कि लाहौर के धरने को 6ठा रोज हो गया, कल एक हफ्ता भी हो जाएगा, वफाकी हुकूमत ने भी ऐसे ही एक हफ्ते बाद जाके कुछ नोटिस लिया था फैजाबाद धरने का, जिसके बाद मामला बहुत खराब हो गए थे, तो पंजाब हुकूमत क्या करने जा रही है इस लाहौर धरने को उठाने के लिए? सर देखें, जहां तक लाहौर की इंतजामिया का तलक है, उन्होंने उनको एंगेज किया है और इस सिलसिले में आपके शायद इलम में होगा कि ये अशरफ जलाली साहब जो हैं ये भी धरना लेके गए थे इस्लामाबाद, तो वहाँ पे इनके और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान एक मुआहदा हुआ था आज जिसको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ख्वाजा साद रफीक साहब जो हमारे मिनिस्टर रेलवे हैं उन्होंने साइन किया था। उन्होंने उस दिन मुझसे पूछा था कि ये को आपके किसी बयान का हवाला दे रहे हैं,
तो मैंने कहा कि उसकी तो वजाहत हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि चलें इनका ये ख्याल है कि मज़ीद जो है उसकी वजाहत कर दी जाए, तो मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि 20वीं मरतबा जो है उसके बारे में बात हुई और पूरी सराहत के साथ जो है ये बताया भी गया और ये हकीकत भी है कि ख़त्म नबूवत का अकीदा जो है वो हमारे ईमान का बुनियादी जुज़ है और हुरमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हर मुसलमान के लिए अपनी हर अजीज़ चीज़ से ज़्यादा अजीज। जब इस्लामाबाद का धरना था तो वहाँ पे जो है वो एक ही मुतालबा था, एक ही मुतालबा से मुराद ये कि बाकी चीज़ों के ऊपर को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जो है वो हुई हुई थी, तो ज़ाद हामद के इस्तीफे के ऊपर वो बजिद थे और ये बात वहाँ पे जो है वो 18 दिन होती रही है। मैं भी वहाँ पे मौजूद था उस मुज़ाकराती टीम में और उसके बाद फिर जो है वो एक मुआहदे के नतीजे में जो है वो धरना जो है वो ख़त्म हुआ। और इसी मामले पे बहुत कंफ्यूजन है कि आखिर मैं अगर बात मुकम्मल कर लूं तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली मेरा सवाल ये सुन ले लीजिए, सुन ले आपके नहीं इस तरह से बात, तो फिर अगर आप मेरी बात सुन लेंगी तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, अगर आप बीच में करती रहेंगी तो बिल्कुल बरकरार रहेगी। इसी तरह से जब वहां पे जिस दिन ऑपरेशन हुआ तो वहाँ पे जो क़यादत थी उन्होंने ऑपरेशन के खिलाफ जो है वो धरनों की काल दी, जिसके नतीजे में ये पहले धरना यहाँ पे नहीं था, जिसके नतीजे में इस जगह पे भी फैसल चौक में भी और कई जगह पे जो है वो धरने जो है वो दिए गए। उसके बाद जो है वो आपके इलम में है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर मीटिंग हुई, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो वहाँ पे दोबारा मुज़ाकरात का फैसला हुआ और उन मुज़ाकरात के नतीजे में एक मुआहदा हुआ और उस मुआहदे के नतीजे में जो है वो धरने जो है वो उठाए गए। अब देखिए बात ये है कि वो मुआहदा जो है अगर वहाँ पे मुतालबा एक इस्तीफे की बजाय दो का होता, चार का होता, दस का होता, तो अगर ज़ाद हामिद साहब का इस्तीफा दिया जा सके तो मेरा इस्तीफा कौन सा को इतना भारी है, वो वहाँ पर और दो या दस इस्तीफे हो सकते थे और स्टेट के ऊपर बतौर रियासत जो उसकी जद पड़नी थी वो एक की भी उतनी है वो दस की भी उतनी होती। लेकिन वहां पे बात जो थी उसके मुताबिक जो है वो मुआहदा हो गया। अब इसमें मामला ये है कि इस मुआहदे के ऊपर अमल करवाना जो है वो या तो मुआहदे के ऊपर जिन लोगों ने साइन किए उनका काम है या फिर जो उस मुआहदे के सालस हैं उनका काम है, ये मेरा या पंजाब गवर्नमेंट का या मियां शहबाज शरीफ का काम नहीं है कि इनसे बात करें, इनसे उनका काम है कि वो बात करें उनको उठाएं। ओके, तो आपने जिम्मेदारी जो है वो एक तरह से विफाकी हुकूमत पर डाल दी है कि लाहौर का धरना विफाकी हुकूमत पर नहीं डाली करवाए या जो सालिस वो सालिस फौज ही रही है, तो बस फिर मैंने जो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस मुआहदे के ऊपर अमल करवाएं। दुरान साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत कोई बात नहीं करेगी दोबारा से इन ये जो मॉल रोड पे बैठे हुए फौजी नहीं, मैंने ख्वाजा साद रफीक साहब से रابطہ किया है, उनका भी मुझे जो है वो फोन आया था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो जो बात हमारे दरमियान हुई थी तो उसके ऊपर मैंने कहा कि उसकी जो मजीद वजाहत की बात आपने की थी वो मैंने ना सिर्फ उसकी वजाहत कर दी थी बल्कि उसकी मैंने क्लिप भी आपको भेजी थी आपके मुतालबे के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इसमें मज़ीद मैं बात करनी चाहूँ तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, जिस हद तक आप अपनी बात के पाबंद हैं मैं आपका पाबंद हूँ, बाकी इसके अलावा जो है ना मैं किसी बात के ऊपर मैं बिल्कुल जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मेरा बड़ा कामिल ईमान है और मुझे ये पता है कि मौत का वक्त जो है वो ना कोई आगे कर सकता है ना कोई पीछे कर सकता है, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है कि कोई ये समझे कि मैं कोई इस तरह से जो है वो कोई खौफजदा होके कोई बात करूंगा। तो राणा साहब इसका मतलब ये हुआ कि मॉल रोड पर जो तहरीक लबैक फैक्शन जी आप इस्तीफा नहीं देंगे ये अशरफ जलाली साहब वाले फैक्शन के मुतालबे पे, किसी सूरत राणा सनाउल्ला पंजाब के वजीर कानून इस्तीफा नहीं देंगे, ये मैंने बात नहीं की। ओके, ये आप अपनी तरफ से बात कर रही हैं, मैंने जो बात आपकी की बात है, क्या फिर आपकी बात है क्या, मेरी बात ये है कि नहीं देंगे? मेरी बात ये है
कि जो वादा हुआ उसके वादे को परमल होना चाहिए। ओके, ये तो मुआहदे में आपका इस्तीफा तो नहीं है? और नहीं, ये मुआहदे में इस्तीफा नहीं है, मुआहदे में तो इस्तीफे का मुतालबा ही नहीं था। तो फिर मुतालबा तो अब आकर हुआ है, ये मुतालबा तो अब आकर हुआ है, तो मैं वही कह रही हूँ कि अब जो इनका मुता वो भी हुआ, तो फिर जिन लोगों ने वो अपना मुआहदा किया या करवाया वो बात करें हमारे साथ। ओके ठीक है, तो अब ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट का प्लान बनाने के लिए नहीं, ये तो गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में जो भी फैसला करेगी वो कोई इस तरह से टेलीविजन पे को उसकी अनाउंसमेंट तो ना कर दी मैंने, वो जो भी गवर्नमेंट फैसला करेगी। लेकिन जो इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक हमारा जो मौका हो मैंने आपको बिल्कुल वाज़ह कर दिया है। ओके ठीक है, पंजाब के वजीरे कानून राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, मजीद भी इनसे सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, पंजाब के वजीरे कानून राणा सनाउल्लाह साहब से हम बात कर रहे हैं। राणा साहब, आपने कहा कि जिन्होंने मुआहिदा किया था तहरीके लब्बैक वालों के साथ या जिन्होंने सालसी की थी, अब वो इनसे बात करें और पंजाब गवर्नमेंट का प्लान बताने में आप जरा हिचकिचा रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि सफर लाहौर के शहरी कर रहे हैं, 6 रोज हो गए हैं, आना जाना दुश्वार हो गया है, लाहौर की एक मौशी शहरक है वो ऑलमोस्ट कट के रह गई है, तो पंजाब गवर्नमेंट का कुछ तो प्लान बताइए, पंजाब के लोग जानना चाहते हैं, लाहौर के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी हुकूमत के पास प्लान क्या है, कब उठाए जाएंगे, किस तरह उठाए जाएंगे ये लोग? नहीं, इस बारे में कोई भी बात जो है वो अभी कबल वक्त होगी। ओके लेकिन इस पर डेलिब्रेशन डिस्कशन हो रही है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? नहीं, इस बारे में बात करना जो है मैंने कहा कि वो कबल वक्त है, जब आप एक एक प्रोसेस और साइड से चला रहे हों तो उस वक्त आपको फिर हर तरफ की बात नहीं करनी चाहिए। ओके राणा साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। अच्छा राणा साहब, ये बताएं कि वो जो अशरफ जडाली फैक्शन के साथ इस्लामाबाद में मुआहिदा हुआ था, जिस मुज़ाकरात में मेरा ख्याल है कि आप भी शामिल थे, जिसपे ख्वाजा साद रफीक साहब जी थे, नहीं, उसमें शामिल नहीं था। अच्छा, आप उस डिस्कशन में सारी कहीं पर भी शामिल नहीं रहे? जी नहीं। ओके, वो फिर ख्वाजा साद रफीक और तलाल चौधरी साहब के सिग्नेचर से जो मुआहिदा एक तय पाया था वो बड़ा खतरनाक मुआहिदा है, खासतौर पे नेशनल एक्शन प्लान के कुछ शिकों के खिलाफ जाता है और उस पर बहुत एतराजात उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं है। आप नहीं समझते कि साउंड सिस्टम के हवाले से जो उसमें साउंड सिस्टम शामिल की गई है उसमें यह है कि जो मस्जिद में लाउड स्पीकर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, पंजाब का एक ऑर्डिनेंस है साउंड सिस्टम का, वो सब आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप बेखबर हैं। नहीं तो मैं तो बाखबर हूँ ना, लेकिन मैं इस बात से बेखबर हूँ कि ये आप बातें कहाँ से कर रही हैं। वो मुआहिदे की अगर कॉपी आपके पास है वो पढ़े ना, कहाँ पे लिखा है ये? जी बिल्कुल, उसका आखिरी नुक्ता यही है, फरमाए जरा जी, मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं क्योंकि आप बहुत से चैनल्स पे पहले भी एडमिट कर चुके हैं कि जी हमारी उनसे बात हुई है कि हम जो एक स्पीकर लाउड स्पीकर वाला मामला है उसे रिकंसिडर करेंगे, तो ये आपके अपने लॉस के अगेंस्ट बात ये है कि रिकंसिडर करेंगे जी, और आप बात और कर रही हैं। उस आखिरी नुक्ते में फेडरल गवर्नमेंट ने या वहां पे जिसको ख्वाजा साद रफीक साहब ने साइन किया जी, वहां पर उन्होंने ये लिखा कि जी इस मामले में क्योंकि एक लाउड स्पीकर की पाबंदी इस्लामाबाद में नहीं है, केपीके में नहीं है, सिंध में नहीं है, सर केपी में है पाबंदी, नहीं है सर, तो सुन ले ना, नहीं है, सुन ले मेरी बात, मान ले मैं आपको सही कह रहा हूं। अच्छा, बलूचिस्तान में नहीं है, सिंध में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत जो है वो इस बात की सिफारिश करेगी कि जैसे बाकी मुल्क में नहीं है तो उस पंजाब भी जो है वो इसको कंसिडर करे जी। आप पंजाब में जो है वो मामला कि अगर सिर्फ अरबी खुतबा जी और अजान इसके ऊपर अगर कोई बात होती है तो ये मैंने इससे पहले भी कहा है कि इसके ऊपर हम जो है वो बात करने को तैयार हैं और ये अंडरस्टैंडिंग हमने जब तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह की टीम हमारे पास आई थी तो हमने उसको दी थी और इसके ऊपर हमारी एक मीटिंग हो भी चुकी है। राणा साहब, एक चीज तो पहले आप नोट फरमा लीजिएगा, इसकी मैं जरा वजाहत कर दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक लाउड स्पीकर की पाबंदी मौजूद है, उनका एक्ट वहां पे मौजूद है, सिंध में भी मौजूद है जो कि 18 मई 2015 को गवर्नर पंजाब गवर्नर सिंध ने वहां पर नाफिज करवाया था। यह अलग बात है कि इन कवानीन पे अमल नहीं हो रहा, लेकिन ये कवानीन मौजूद है, ये कवानीन खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद है। आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि वहां पे
हर मस्जिद पे अजान की आवाज़ चारों तरफ पहुँचाने के लिए चारों तरफ जो है वो लाउड स्पीकर या हारन जो है वो मौजूद हैं। ये मैं आपको सही बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने हमारे साथ मुतालबा किया तो हमने इसको चेक किया जी। राना साहब, कवानीन मौजूद हैं लेकिन मसला यह है कि उन कवानीन पे अमल नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा में भी पाबंदी है, पंजाब ने एक अच्छा काम किया था नेशनल इलेक्शन प्लान के स्पिरिट में। पंजाब ने एक अच्छा काम किया। देखिए बात यह है ना कि अच्छा काम सबको करना चाहिए ना, और हर तरफ जो है वो अच्छा काम होना चाहिए। लेकिन मैं ये बात क्यों कहूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में या सिंध में या बलूचिस्तान में वहाँ पे हुकूमतों ने अच्छा काम नहीं किया। देखिए ये चीज़ें जो हैं ये अगर आपने इसका जवाब लेना है तो ये आप उनसे ले सकती हैं। किन से लेना चाहिए? ये आप केपीके से पूछे। पंजाब ने अंडरस्टैंडिंग किया राणा साहब, वो पंजाब से ही बात सवाल किया जाएगा ना, मुआहदा तो पंजाब के हवाले से किया। सुन लेना, बात ये है कि एक चीज जो है वो एक आदमी बात कर सकता है ना कि जी देखें मुल्क तो एक है ना, इस मुल्क में हर सूबे हर जिले हर डिवीजन में कोई अलग अलग कानून तो नहीं ना होगा। वो उसमें ये एक आर्गूमेंट तो है ना, ये एक बात तो है, और उस बात के ऊपर जो है वो जो कमेटी कायम हुई है या होगी उसमें बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे। उसके बाद फैसला क्या होगा, वो जब फैसला होगा फिर आप उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल सवाल हो जो आप कर लीजिएगा। तो क्या इसका मतलब ये भी लिया जाए कि जो अशरफ जलाली फैक्शन के साथ इस्लामाबाद में मुआहदा हुआ था, पंजाब हुकूमत उस पर बरकरार है और उसको आगे रिकंसिडर भी करना चाहती है या करेगी? मैंने कहा कि जो बात हमने किसी से भी की है, ख्वाब उसके ऊपर साइन राणा सनाउल्ला के हैं या ख्वाजा साद रफीक के साहब के हैं या एहसन इकबाल साहब के हैं, हमने जो ओन करना है ना अल्लाह के फजल से, हमने उसके ऊपर अमल करना है। और लेकिन जो ओन किया है उसके ऊपर ही अमल होगा ना, उसके बगैर तो अमल नहीं होगा। और दूसरों को भी इसी तरह से अमल करना चाहिए। राणा साहब, मसला ये है कि धरने वाले लाहौर से उठने को तैयार है नहीं, पंजाब हुकूमत बताने को तैयार है नहीं कि उसकी आगे स्ट्रैटेजी क्या है। पंजाब गवर्नमेंट के वजीर कानून कह रहे हैं कि जी जिन्होंने मुआहदा करवाया था, जिन्होंने सालिसी करवाई थी वो अब बात करें, बीच में परेशान तो अवाम हो रहे हैं। इसी किस्म का रवैया इसी किस्म का रवैया हमें वफाकी हुकूमत की तरफ से नजर आया था कि उन्होंने भी डिले किया। आप नहीं सुने ना, आप लोगों को परेशान करने पर क्यों तुले हुए हैं? आप बात बड़ी सीधी सी है कि एक मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे के ऊपर अमल होना चाहिए। इसके ऊपर हम भी जोर देंगे, आप भी उसके ऊपर जोर दें। आप खाम खा परेशानी को बढ़ाने की तरफ ना जाएं। नहीं, लेकिन मुआहदे के ऊपर अमल करवाने की तरफ जाएं। एब्सोल्युटली, लेकिन मुआहदे पे अमल तो तब करवाएं जब उस मुआहदे की तमाम शिकें कुछ कानून के दायरे में हो। आप भी अपना शेर डालें ना, आप इस बात को घुमाए ना। नहीं, लेकिन स्टेट है राणा साहब, मुआहदा करते हुए तो मुआहदा करते हुए तो मीडिया से किसी ने नहीं पूछा था ना, ये मुआहदा तो एकदम से सामने आ गया। और इसकी तो कुछ शिकायतें, क्या मीडिया जो है वो पॉजिटिव रोल अदा नहीं कर सकता? आप इस बात को क्यों कहते हैं टूवर्ड्स नेगेटिव साइड? आप पॉजिटिव साइड के ऊपर रखें, एक मुआहदा हुआ है उसके ऊपर जो है वो अमल होना चाहिए, इसमें कोई शक है? राणा साहब, अगर मुआहदे की कुछ शिकायतें नेशनल इलेक्शन प्लान के स्पिरिट के खिलाफ है और वो नेशनल एक्शन प्लान जो कि तमाम हुकूमतों ने बड़ी मेहनत से बनाया, तो मीडिया उसमें से क्या पॉजिटिविटी दिखाए? आपने एक जगह ये आपका बयानिया बिल्कुल गलत है सर। आपने एक जगह पे इंटरव्यू देते हुए मेरी बात सुन ले, आपका बयानिया पंजाब टेक्सटबुक बोर्ड है उसमें तहरीक लबैक के दो नुमाइंदे शामिल करने में कोई एतराज नहीं होगा पंजाब गवर्नमेंट? सुन लेना, सुन ले बात, सुन ले, ये आपका बयानिया बिल्कुल गलत है, बल्कि ना सिर्फ गलत है बल्कि मिसलीडिंग है। और आप इसमें अभाम पैदा करके लोगों को एक अंदाज से जो है वो गुमराही की तरफ जो है मिसलीडिंग की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आप स्टेट बात करें ना कि जो बात आप जिस पॉइंट को रेज करना चाहती हैं, तो मैं उसको आपका जवाब देता हूं कि वो फिर आप जवाब के बाद ये जो है ना वो अपना साथ बयानियाँ लगाएं कि ये फलां की भी खिलाफ वर्जी है, फलां की भी खिलाफ वर्जी है। ये जो हमारी है ना यानी करिकुलम कमेटी जो है, इसमें आपको पता है कितने लोग हैं? इसमें हमने हर मसलक के लोगों को रखा है, इसमें हमने जो है वो शायरों को रखा है, अदब की हर जिहत से जो है वो लोगों को रखा है। और ये लोग जो हैं इनका सिर्फ इनका जो इख्तियार है वो रिकमेंडेटरी है, ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं कि जी निसाब में ये चीज़ जो है वो, यानी जिस तरह से होता है कि ये चीज़ होनी चाहिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट है,
एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करता है कि कौन सी रिकमेंडेशन जो है वो सही है और कौन सी नहीं सही है। अब कोई आदमी जो है वो अखबार में भी जो है वो अपना कॉलम लिख के भी, खबर दे के भी जो है वो साबित कर सकता है, एप्लीकेशन भेज के भी जो है वो साबित कर सकता है। तो उसमें अगर उलमाए कराम की मौजूदगी है और उनकी मौजूदगी की वजह से आए रोज जब भी कोई बात होती है तो खबरें छपना शुरू हो जाती हैं कि जी देखें इस्लाम को जो है वो निकाल दिया है निसाब में से। ये भी तो कुछ एनजीओज है ना जो प्रोपेगंडा करती हैं कि जी ये कर दिया है वो कर दिया है, लोगों को गैर मुस्लिम करने की कोशिशें हो रही हैं। तो उस साइड को, उस प्रोपेगंडे को जो है वो कन्फ्रंट करने के लिए हमने इसमें जो है वो जो हमारे दीन से मुतलका लोग हैं उसमें बड़े स्कॉलर हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी जो है वो हमने शामिल किया है। और ये एक बेहतर कदम है, इसको अदरवाइज जो है वो इधर उधर घुमाने वाली बात नहीं है। राणा साहब आप फरमा रहे हैं और अगली बात भी सुन लें, मैं आपका और मसला हल कर देता हूं जी। इन रिकमेंडेशन में से मैं आपको लिख के देता हूं कि जो रिकमेंडेशन जो है वो अपना जो है वो इसके ज़रब अज़ब या रद्दुल फसाद या नेशनल एक्शन प्लान के हासिल होने वाले रिजल्ट्स के मकासद से मुतसादम होगी उसको बिल्कुल हम तस्लीम नहीं करेंगे। ओके ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेट्स होप कि ऐसा ही हो, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि जो Let's hope for that, वरना तहरीके लबैक वालों ने जो इस्लामाबाद में किया, एक अच्छी बात, पॉजिटिव बात हुई, उसको भी यकीन करें। आपके जवाब का मैंने बड़े तहम्मुल से इंतजार किया है, अब मेरे सवाल को भी आप तहम्मुल से सुन लीजिए ना। आपका फरमाना है कि जो करिकुलम कमेटी है उसमें उलमा पहले से शामिल हैं। मैंने आज ही, क्योंकि आपका इंटरव्यू करना था, मैंने इसीलिए चेयरमैन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से भी और एमडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से भी बात की। दोनों का कहना था कि हमारी इस कमेटी में कोई उलमा ऐसे शामिल नहीं है। जब एक निसाब तैयार कर लिया जाता है तो उनसे एक दफा इस पर नजरसानी करवा ली जाती है, एज सच कमेटी में कोई उलमा शामिल नहीं है। तो आप चाह रहे हैं, जो मैंने आपको बात की है उसमें और नजरसानी में क्या फर्क है जो आपने इतनी दूर की कूड़ी आप लेके आई हैं? क्योंकि आप यानी ये जो एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि कमेटी में शामिल करने पर तहरीके लबैक के नुमाइंदे कोई एतराज नहीं होगा। मेरी बात सुन लें, बात यह है कि ये जो रवैया है ना, ये रवैया जो है ना इन मसाइल को पैदा करता है। बात यह है कि जो दीनी तबकात हैं, जो उलमाए कराम हैं, क्या ये जो है वो आप इनको, कल जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पेशावर गए हुए थे, उन्होंने तमाम उलमाए कराम को बैठा के उनके साथ बात नहीं की, उनके साथ मशवरा नहीं किया? बात यह है कि इन लोगों को, जो लोग आपके साथ तआवुन करते हैं, तआवुन करने को तैयार हैं, तो उनको जो आप अगर इस तरह से करेंगे तो ये मुनासिब जो है वो तरीका नहीं है। मामला ये है कि ये ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, बच्चे उनके भी हैं, हमारे भी हैं, एनजीओ वालों के भी हैं, सबके हैं, तो सबके लिए जो है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस बारे में जो है वो ना सिर्फ नज़रसानी कमेटी, जो दूसरी कमेटीज़ हैं उनमें जो है वो हमें मज़ीद और भी इजाफा करना चाहिए और तमाम लोगों की राय आनी चाहिए। उसके बाद जिस अथॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट करना है वो अथॉरिटी तो गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट करेगी और उसमें जो है वो असेंबली से भी उसको जो है वो पास करवाएगी। अच्छा राणा साहब, इस वक्त मसला ये है कि आपके इस्तीफे के लिए बैरूनी अंदरूनी, बैरूनी से मेरा मुराद मुस्लिम लीग नून से बाहर का जो कि मॉल रोड पे बैठे हुए हैं, उन धरने वालों का भी मुतालबा है कि जी वजीर कानून साहब मुस्ताफी हों, और अंदरूनी दबाव, अंदरूनी से मुराद मेरी नून लीग के अपने अंदर का, वो जो पीर सियालवी मेरा इस्तीफा कौन मांग रहा है, आपका इस्तीफा मांग रहा है, मैं तो आप परेशान ना हो इसमें, आप इसमें इतना परेशान ना हो। ये बताइए कि पीर सियालवी साहब से ज़ईम कादिर साहब की जो मुलाकात हुई और ज़ईम कादिर साहब ने फिर जो कमिटमेंट्स की कि राणा साहब इस्तीफा लेके आएंगे और कलिमा पढ़ेंगे और माजरत भी करेंगे, वो वीडियो भी सबके सामने है। ਖਾਦਮ ਬਿਜਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਰਖ ਰਹਾਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜਾਇਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ
इस साल का स्थान पात्र मुसलमान की शामिल जो है बानी मुसलमान है पहली बात। दूसरी बात ये है कि दिल्ली खिदमत पाकिस्तान वास्ते आस्थाना या सियासी दिन किसी दिन नहीं। जिस वक्त आपने कोई मुतालबा रख दिया कायनात की कोई ताकत असी तो आपके हुक्म के तहत ना असी तोड़ फोड़ के कायल ना असी अफरा तफरी के कायल इस साल गरीब नवाज का हुक्म है। इस वक्त है आपके उलमा खुलफा ये वैसे हजूर पीर साल की उलमा अगर आपका थोड़ा इशारा भी हो जाए तो पाकिस्तान में एक लम्हे तो बैठ अग ला दें लेकिन हजूर ने फरमाया खत्म कर बेशक अमन कायम रखना और सुनाओ जरा ना राणा साहब ने इस तू पहला चलो और राणा जरा सब तू पहला तो बढ़िया रहा है साबे जनाब की गल 100% अग्री करदा के आप दे बुजुर्गां ने पाकिस्तान बनाया सी कायदे आजम ने कल्ले नहीं सी बना सके खिते दे पीरां ने उजाम मशायख उजाम दाही फैजान और फैज सी के अल्लाह ताला ने मुसलमानां नूं एक खिता अनायत फरमाया अपना इस्तीफा लेके यहाँ आगे बाद हजरत साहब पे हजरत साहब का नहीं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई दसो किसी जगह जो वीडियो